और ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट पर मंत्री मौजूदा हेमंत कैबिनेट में जो मंत्री हैं वो इस सीट से फिर से चुनाव मैदान में हैं और जेएमएम के प्रत्याशी हैं। और ये सीट बहुत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाजी हुसैन अंसारी इस सीट से लंबे समय से जीते रहे, फिर उनके बेटे हफीजुल हसन आए और वो भी हेमंत कैबिनेट में मंत्री बने हैं, तो इसलिए ये सीट काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। क्या मंत्री बनने का फायदा फिर से हफीजुल को होगा या बीजेपी के गंगा नारायण सिंह यहां से बाजी मार लेंगे या जेएलकेएम के सद्दाम अंसारी हैं, क्या वो हफीजुल हसन का खेल खराब कर सकते हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे रंजन जी से। रंजन जी, यहां के सीट के समीकरण को देखें तो हफीजुल हसन को फेवर करते हुए समीकरण नजर आते हैं, लेकिन जेएलकेएम ने भी अपने कैंडिडेट को यहां से उतारा है, सद्दाम अंसारी यहां से कैंडिडेट हैं, तो ऐसे में फायदा किसे होता हुआ दिख रहा है इस सीट में? सीट का मिजाज क्या अब इन दो मुस्लिम कैंडिडेट के बीच में किसी तीसरे को फायदा पहुंचाता हुआ दिख रहा है? देखिए, दो नहीं, इनफैक्ट अगर हम कहें तो इस बार हफीजुल हसन को मिलाकर कुल 5 मुस्लिम प्रत्याशी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 15 प्रत्याशी यहां पर मैदान में हैं जिनमें से 5 मुस्लिम हैं। हफीजुल हसन राज्य सरकार में मंत्री हैं और निश्चित तौर पर वो अपनी सीट बचाना चाहेंगे। दूसरी तरफ गंगा नारायण सिंह हैं जो कि इस बार, जो पिछली बार वो सिर्फ 5,247 वोटों से पीछे रह गए थे, तो वो उसकी भरपाई करना चाहते हैं और उनको उम्मीद होगी कि जो 5 मुस्लिम प्रत्याशी हैं उनमें थोड़ा अगर वोटों का बंटवारा हो जाए तो उनका काम बन सकता है। देखिए, ये सीट अगर इनिशियल फेज में हम कहें तो शुरुआती 3 दशक तक यहां पर कांग्रेस का दबदबा दिखा था, और लेकिन जब यहां पर आपको हाजी हुसैन अंसारी पहली बार जो है वो जेएमएम को जीत दिलाते हैं 1995 में, और फिर उसके बाद ये सीट जो है हाजी हुसैन अंसारी की ही बनकर रह जाती है, मतलब जेएमएम के नाम हो जाती है ये सीट। 1995 में जीते, फिर 2000 में भी जो है हाजी हुसैन अंसारी जीते, लेकिन जब आप इसके बाद से देखना शुरू कीजिएगा तो राज परिवार ने एक कॉन्टेस्ट यहां पर हाजी हुसैन अंसारी को दिया। 2000 में हाजी हुसैन अंसारी जीते तो 2005 में राज परिवार जीते, फिर 2009 में हाजी हुसैन अंसारी जीते तो 2014 में फिर से जो है राज परिवार जीते, फिर 2019 में हाजी हुसैन अंसारी जीते, लेकिन इन्हीं इसी के बीच जो है कोरोना की वजह से उनका निधन हुआ, और उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें हफीजुल हसन ने जो है वो 5,247 वोटों की जीत हासिल की। अगर हम 2019 के चुनाव को देखें आसिया जी, तो वहां पर दिखता यह है कि हाजी हुसैन अंसारी ने 23,000 वोटों से जो है वो राज परिवार को पराजित किया था, तो एक बड़ी मार्जिन थी। लेकिन इस बड़ी मार्जिन के पीछे वजह यह थी कि आजसू अलग होकर लड़ रहा था और तब गंगा नारायण सिंह जो कि अभी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तब आजसू प्रत्याशी थे और वो भी 20% के आसपास वोट लाने में सफल रहे, उन्होंने 45,620 वोट लाए। अगर आप यहां पर राज परिवार और गंगा नारायण के वोट अगर जोड़ दें तो ये आपको हाजी हुसैन अंसारी के वोट से अच्छी खासी संख्या में ज्यादा हो जाता है, लेकिन अलग लड़ने का नुकसान 2019 में बीजेपी और आजसू को हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर दोनों एक साथ आए, बाई इलेक्शन में एक साथ आए और तब जो है हफीजुल हसन ने जीत हासिल की। जीत छोटी थी, 5,247 वोटों की, लगती है कि पिछले हाजी हुसैन अंसारी जो है वो 23,000 से जीते थे, लेकिन अगर आप मत प्रतिशत देखें तो हाजी हुसैन अंसारी को जहां 2019 में 38.4% वोट आए थे, वहीं जो ये बाई इलेक्शन हुआ जिसमें हफीजुल हसन जीते उसमें हफीजुल हसन को 49.09% वोट आए, मतलब लगभग 10-11% वोट जो है इनके बढ़े, और ये आप कह सकते हैं कि एक सहानुभूति का भी असर हो सकता है, प्लस जब बाई इलेक्शन होता है तो प्रत्याशी उस संख्या में नहीं होते, इन सारी चीजों का फर्क पड़ता है और जिनकी सिटिंग सीट होती है उनको बाई इलेक्शन में फायदा भी होता है। लेकिन आप दूसरी तरफ गंगा नारायण सिंह को देखें तो वो भी 46.76% वोट लाने में सफल रहे, मतलब लगभग 47%, तो जो फर्क था गंगा नारायण सिंह और हफीजुल हसन के वोटों में वो था 2.3
3-3% वोट। मतलब ये कि अगर 1.5% वोट हफीजुल हसन से निकलकर गंगा नारायण की तरफ चला जाए तो बाजी पलट भी सकती है। इसलिए ये सीट जो है बहुत कांटे की सीट है, बहुत रोमांचक सीट है। यहाँ के अगर हम समीकरण पर जाए तो देखिए यहाँ पर 33% वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, और जो यहाँ पर जेएमएम का जो वोट रहा है वो मुस्लिम कम्युनिटी और साथ में जो आपको ट्राइबल वोटर्स हैं उनका साथ हुआ है। जो संथाल में एक जेएमएम की जीत का फार्मूला आम का होता है, ये फार्मूला यहाँ पर भी है। यहाँ पर ट्राइबल्स जो हैं वो लगभग 14% के आसपास हैं, तो आप 33+14 कर दीजिए तो ये 47% के आसपास जो है वो आ जाता है। जेएलकेएम से सद्दाम अंसारी यहाँ से चुनावी मैदान में है, तो क्या जो मुस्लिम वोट जिसकी आबादी यहाँ 30% से ज्यादा है उसे काट पाएंगे सद्दाम अंसारी और नुकसान हफीजुल को हो सकता है? देखिए जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है ये चुनाव पोलराइज्ड होता चला जाएगा और दो ध्रुव में ये चीजें बट जाएंगी। अभी प्रत्याशी जरूर आपको यहाँ पर 15 दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे मुख्य मुकाबले में आपको हफीजुल हसन और गंगा नारायण सिंह ही दिखेंगे। अब ऐसे में सद्दाम अंसारी कितने वोट लेकर आते हैं, बीएसपी ने भी यहाँ मोहम्मद जियाउल हक को टिकट दिया है तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी लतीफ अंसारी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा से। कुल 5 प्रत्याशी मुस्लिम हैं, लेकिन एक बात तो है चूंकि मार्जिन बहुत कम है 2.33%, अगर जो बाकी मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं अगर वो मिलकर भी 7-8% वोट लेकर चले आते हैं तो फिर वैसी परिस्थिति में हफीजुल हसन के लिए परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा चीजें पोलराइज्ड होती जाएंगी, जो वोटर्स जेएमएम के हैं वो जेएमएम की तरफ ही चले जाएंगे और मुस्लिम वोटर्स भी उसी तरह से जाएंगे, और सामने जो काउंटर पोलराइजेशन होगा तो वैसी परिस्थिति में जो वोट बीजेपी को जाने हैं वो बीजेपी की तरफ जाते चले जाएंगे जो है वो काउंटर पोलराइजेशन के तौर पर। तो यहां पर मुझे लगता है कि मुख्य मुकाबला हफीजुल हसन और गंगा नारायण सिंह के ही बीच में होगा, लेकिन बाजी कौन मारेगा यह कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम अभी आया था तो उस समय मधुपुर सीट से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो 8,877 वोट से लीड करने में सफल रहे थे, तो ये चीजें जो है वो जेएमएम का हौसला बढ़ा रही होगी कि लीड जो है वो बढ़ी है। अगर पिछली बार वो 5,247 वोट था तो इस बार वो 8,877 वोट हुआ है लोकसभा में, तो क्या ये लीड बनी रहती है या फिर गंगा नारायण सिंह जो है इसको कम करते हैं और बाजी पलटते हैं, ये देखना होगा। लेकिन मुकाबला बहुत रोचक और कांटे का होने वाला है मधुपुर में। चलिए, तो मधुपुर का चुनावी जंग काफ़ी दिलचस्प बनने वाला है और त्रिकोणीय मुकाबले के आसार यहाँ कम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई होगी और ये सामने सामने की फाइट में कौन? मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।